नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लेयर थ्री एजुकेशन में। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो देखिए लिखा हुआ है घड़ी। बना भी रखी है बहुत शानदार, है ना। चलो, तो घड़ी वाले टॉपिक में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, आपके टॉपिक में इस आपके जो सिलेबस दिया है उसमें इस टॉपिक से क्या क्या चीज़ें पूछेगा, उसको हम डिस्कस करते हैं और वन बाय वन इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पहला देखना, सबसे पहले वाला पूछेगा, वो कौन पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि आपकी घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा। यानी कि मान लो, जैसे कि ये घड़ी है, उसमें 12 बजी है, 6 बजी है ना, 3 बजी है, 9 बजी, तो वो बोलेगा कि जब 3 बज रही है तो आपकी घड़ी में इन दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा, इस तरीके से पूछेगा। अब कोण में भी मान लीजिए दो तरह के आपके कोण बनते हैं, इसी में दो तरह के कोण बनते हैं आपके, एक तो न्यून कोण बनता है ना, सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और एक बनता है वृहत कोण, एक न्यून कोण बनता है और एक बनता है वृहत कोण। किस तरीके से बनता है सर, तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये घड़ी है 12, 6, 3, 9, जैसे कि 3 बज रही है अभी, मान लो 3 बज रही है, तो एक कोण तो आपका यहां बन रहा है, कहां, ये इस प्रकार से ये बन रहा है, और एक और जो कोण है इसके बाहर बन रहा है ना, एक तो कोण इन दोनों सुइयों के बीच में बन रहा है और एक और बन रहा है इसके बाहर, इस प्रकार से पूछेगा, एक तो कोण की पूछेगा, है ना। अब दूसरी तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके समय अंतराल से, किस प्रकार से, समय अंतराल की गणना आपकी इसमें दिया है, समय अंतराल। अब समय अंतराल क्या होता है सर, देखिए समय अंतराल वो होता है, यानी कि मान लीजिए कि आप सुबह 6 बजे उठे, या फिर 6 बजे तो सॉरी गलती हो गई, इतने जल्दी तो उठते नहीं होंगे आप, मान लो सुबह 8 बजे उठे आप, कितनी बजे, 8:12 पे उठे, और आप ऑफिस के लिए निकले, या फिर आप जहाँ भी पढ़ाने जाते हैं या फिर जो भी काम करते हैं उसके लिए आप पहुँचे, आप घर से निकले 9:45 पे, कितनी बजे निकले भैया, 9:45 पे, तो आपने देखा कि 8:12 पे आप उठे, 9:45 पे आप घर से निकले, तो ये जो समय है वो बोलेगा कि आपको तैयार होने में कितना समय लगा, है ना, इस तरीके से पूछ लिया, तो ये समय अंतराल की गणना हो गई। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें बड़ी वाली जो डिजिट है यानी कि 9:45 ऊपर रखना और 8:12 इसमें से माइनस कर देना, तो आपका समय आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, 5:02, 3:04, 3:09, तो 1 घंटा और 33 मिनट ले गए आपको तैयार होने में। ऐसे और भी क्वेश्चन वो बना देगा, और क्वेश्चन कैसे बनाएगा सर, मान लो वो बोल दे कि यहाँ से, जैसे कि ये ट्रेन से संबंधित भी बोल देगा, जैसे ट्रेन से संबंधित क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि एक ट्रेन कोलकाता से 4:33 पर निकलती है और रात को 9:44 पर वहाँ रांची पहुँचती है, तो ट्रेन को लगा समय कितना है, तो ये हो जाते हैं समय अंतराल से संबंधित क्वेश्चन, इस प्रकार से आपके आते हैं, है ना। आगे देखते हैं आगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब इसी समय अंतराल में एक और टाइप बनता है कि घंटे की भिन्न, इसी टाइप में बनता है आपका, एक घंटे की भिन्न कौन सी है वो, यानी कि मान लीजिए मैं वो कल ही करवा रहा था आपकी लाइव क्लास में, करवाया था मैंने एक क्वेश्चन, मुझे याद आ रहा है कि मैंने बोला था कि 6:48 से, है ना, 6:48 से लेकर वह 7:12 तक चला, कोई व्यक्ति जो है 6:48 से लेकर 7:12 तक चला, तो उसका जो समय अंतराल है वह 1 घंटे की कौन सी भिन्न है, मतलब ये जो क्वेश्चन है मैंने करवाया था कि 6:48 पर कोई व्यक्ति चलता है और 7:12 पर पहुंचता है, तो वो 1 घंटे की कौन सी भिन्न है, तो इसका इस तरीके से किया था कि 7:12 में से ये माइनस करना था, लेकिन ये 12 मिनट छोटा था, तो हमने क्या किया था कि 1 घंटा इधर से उधार लिया था, तो यहाँ 7 की जगह रह गया 6 और यहाँ 12 की जगह ये 60 मिनट इसमें जोड़ देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 72 मिनट, 72 मिनट हो जाएगा, फिर 12 में से 8 गया 4, फिर इधर बचा 6, 6 में 2 गया, तो 24 मिनट आ रहा था और 1 घंटे की भिन्न बताना था, इसलिए नीचे में कर रहा था 60 का डिवाइड कर रहा था और इन दोनों का रेशियो निकाल रहा था, वही भिन्न है आपकी, 6 चौक 24, 6 धाम 60, फिर 2 से क्या 2 दून 4, 2 पंजे 10, तो 2/5 इसका आंसर था। तो इस प्रकार से भी वो पूछेगा, अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कि 1 घंटे की कौन सी भिन्न है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं। अब बात करते हैं आपका सबसे ज्यादा जो चर्चित है,
जिससे लोगों को डर लग रहा है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। एएम को पीएम में बदलना कुछ नहीं है, सबसे सिंपल इन सब में सबसे सिंपल यही है, एएम को पीएम में बदलना। इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, इसके भी क्वेश्चन करेंगे। एएम को पीएम में बदलना कैसे, एएम कब होता है, जैसे कि रात के 1 बजे, तो उस टाइम 1 PM होता है कि 1 AM होता है, ये सारी चीजें सीखेंगे। अब एएम पीएम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जैसे कि सुबह के 12 बजे हैं, उससे 5 घंटे बाद कितनी बजे होंगी, तो 1 PM 1 AM, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अपन वन बाय वन उनको करेंगे। और इसके आगे एक और आपका टॉपिक है घड़ी से संबंधित, वो है 24 घंटों वाली घड़ी का, 24 घंटों वाली घड़ी का 12 घंटे वाली घड़ी से संबंध, 12 घंटे वाली घड़ी से संबंध, ये इस प्रकार से। तो ये जो आपका घड़ी का टॉपिक है, इसमें इस 5 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, वो 5 ही तरीके के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, आज के वीडियो में हो जाएंगे ठीक है, नहीं तो कल के वीडियो में करेंगे, ऐसे करके 2 वीडियो में मिलके पूरी घड़ी को अपन निपटा देंगे। निपटा देने का अर्थ अर्थ होता है कि इससे संबंधित सारे प्रश्न अपन कर लेंगे। तो ठीक है साहब, ये 24 घंटे की घड़ी में 12 घंटे का संबंध क्या है, तो ये ट्रेन टाइम होता है, ट्रेन में आपने देखा होगा कि 18:24 हो रहे हैं, तो वो आपसे पूछेगा कि कितनी बजे हैं, आपसे बोलेगा कि 6:24 AM हो रहा है, 6:24 PM हो रहा है, सारी चीज़ें मैं एक एक करके क्लियर करवा दूंगा। तो इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे, 5 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला तो कोण वाला बनेगा, जो जनरली आप सभी को आता है ना, नॉर्मल है। और भी मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से 1 घंटे में क्या होता है, कितना 1 घंटे में मिनट की सुई कितना चलती है, घंटे की सुई कितना डिग्री चलती है। फिर समय अंतराल की बात करें तो मैंने आपको सिखा ही दिया कि समय अंतराल क्या होता है ना, घंटे की एक भिन्न, मतलब आपको समय की गणना करना है पहले, फिर उसको 1 घंटे की भिन्न बताना है। एएम को पीएम में बदलना है, ये मैं सिखा दूंगा आपको। 24 घंटों वाली घड़ी का 12 घंटों वाली संबंध, ये इस तरीके से आपकी घड़ी का जो, ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे, है ना। चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहला टाइप इस क्वेश्चन से, है ना, कोण वाले क्वेश्चन से। तो मैं चाहता हूं कि आप एक एक चीज, है ना, नोट डाउन करते चले, और कुछ पॉइंट है ना, एक काम करना, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप जरूर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको जरूर आप कॉपी में लिख लीजिएगा, जो आपके सवाल करने में जरूर मदद करेंगे। चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, लिखा है घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, घंटे की सुई, घंटे की सुई, ये सारी चीजें लिखते हुए चलना, और अभी इसको मैं समझा भी दूंगा कैसे बन रहा है। घंटे की सुई 1 घंटे में, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब किस प्रकार से बनाएगी भैया, तो देखना कि आपका जो कोण कितने तरह के होते हैं, कोण आपके होते हैं 6 तरह के, उसमें जो आखिरी कोण है वो बताता है आपको संपूर्ण कोण, क्या बोलता है वो, संपूर्ण कोण है। और संपूर्ण कोण जो होता है वो आपकी घड़ी की आकृति में, देखिए आप घड़ी की आकृति भी गोल होती है और संपूर्ण आकृति की भी आपकी गोल होती है, जिसमें होता है आपका 360 डिग्री, ये जो पूरा गोला है वो होता है 360 डिग्री, है ना। तो वो बोल रहा है कि टोटल कितने घंटे है, जैसे 12, 1, 2 ऐसे करके टोटल 12 घंटे हैं, ठीक है साहब। तो 360 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो आपका 1 घंटे का आ जाएगा 12 या 36, यानी कि 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो यानी कि 1 घंटे में, घंटे की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री चलती है, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। मान लो यहाँ पर, मान लो कि कितना बजा हो, 2 बजा हो, 2 बज रही है, तो आपकी घड़ी में घंटे के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 घंटा 2 घंटा, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, 60 डिग्री का। बड़ी आसानी से आपने निकाल लिया, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब देखना कि दूसरा वाला पॉइंट क्या है, दूसरा इसको मिटा रहा हूँ फिर दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, देखना दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है आपका कि मिनट की सुई, दूसरा पॉइंट लिखना, मिनट की सुई, मिनट की सुई 5 मिनट में, मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब कैसे, आपको पता ही है ना, मान लो ये घड़ी है, यहाँ पर 12 बजे है, 1 बजे है, 2, 3 है ना, इस प्रकार से। तो घड़ी जो है, अब ये 5 मिनट, ये जो सुई है अगर 5 मिनट चलती है तो 1 घंटे में 30 डिग्री का बन रहा है, तो इस मिनट की सुई में भी 5 मिनट लगेंगे 30 डिग्री का कोण बनाने में। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि टोटल आपके 360
डिग्री होता है ना। आप समझिए कि टोटल मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट, उसके बाद तो 1 घंटा आ जाता है। 60 मिनट, 60 मिनट के हिसाब से 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना, तो आप लिख लेना 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना। कितना बना 1 मिनट में, कितने डिग्री का बना, 6 डिग्री का। 5 मिनट की बोल रहा है तो इंटू कर देंगे 5 का इधर भी, 5 का इधर भी, तो यहाँ हो गए 5 मिनट और डिग्री हो गई 30 डिग्री। तो कभी पूछ ले कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं, उसी बार वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में कितने डिग्री का। तो आपको बताना है कि कितने डिग्री का बनाएगी, 6 डिग्री का। कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। 1 मिनट है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखना, दूसरा इसके बाद पॉइंट है तीसरे नंबर का, बहुत ही सिंपल है, आसान है, ये लिख लीजिएगा आप। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि घंटे की सुई 1 घंटे में, 1 घंटे में 5 मिनट, 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है। घंटे की सुई 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है। अब ये क्या बात हुई, दूरी तय करती है, ये क्या बात हुई, तो आप समझने की कोशिश करना। ये घड़ी है, 12 बजे, 1 बजे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो आप समझने की कोशिश करना, देखो यहाँ पर आप मान लो कि 1 बजे हुए, अभी कितनी बज रही है, घंटे का काटा छोटा है, मिनट का काटा बड़ा है। तो इसने जैसे कि बोला कि घंटे की सुई 1 घंटे 5 मिनट की दूरी तय करती है, तो समझने की कोशिश करना, ये आपके मिनट का काटा यहाँ से चला, वापस चल के यहाँ आ गया, तो क्या घंटे का काटा यहीं रहेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ नहीं रहेगा, अब 1 से बच जाएगी आपकी 2। तो यहाँ देखना कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय की इसने, 1 घंटा अगर हो जाता है तो इसने केवल 5 मिनट की दूरी तय की, यानी 1 से 2 पे आया, तो मिनट कितने हो रहे हैं यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5 मिनट की दूरी तय की 1 घंटे की सुई ने, कितने घंटे में, 1 घंटे में केवल 5 मिनट की दूरी तय की। इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लिखता हूं मैं। अगला पॉइंट देखना कि जब दोनों सुइयां कौन सी, इनमें आपके सेकंड की सुई से ज्यादा लेना देना नहीं है, केवल मिनट और घंटे की सुई। जब बोल रहा है कि दोनों सुइयां 15 मिनट के अंतराल पर होती है, 15 मिनट के अंतराल पर होती है, अंतराल पर होती है, होती है, तो इनके बीच, तो इनके बीच, तो इनके बीच एक समकोण बनता है, तो इनके बीच एक समकोण बनता है। अब समकोण का अर्थ क्या हुआ, समकोण समझने की कोशिश करना। मान लो यहाँ पर एक घड़ी बनाई है ना, इस प्रकार से ये 12 बजे हैं, 6 बजे हैं, 9 बजे हैं, सॉरी 9 इधर बजा दिए तो लफड़ा पड़ जाएगा, 3 बजे हैं, सॉरी 9 बजे हैं। तो अब देखने की कोशिश करना कि मान लो 15 मिनट का अंतराल है, तो इन दोनों 15 मिनट का अंतराल है, तो 3 बजे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये जो अगर मैं पूरे को, इस पूरे गोले को 4 हिस्सों में अगर बांटता हूँ, तो पूरा गोला 360 का, तो चौथा हिस्सा क्या हो जाएगा इसका, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 3 बजे आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, है ना, जो आपके समझने के लायक थे। आगे अपन बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे टाइप भी मैंने आपको बता दिए हैं, सारे टाइप वाइज चलेंगे अपन, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप सब पहले करने की कोशिश जरूर करना यार, है ना। चलिए घड़ी भी मिटा देता हूँ मैं, है ना, अच्छी तो लग रही थी पर वाह, चलो क्या करो अब, है। चलो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा शाम के, हाँ चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके टाइप 1 चल रहा है ये, है ना। वैसे टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन में मिक्स कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की कोशिश करना। शाम के 5 बजे सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में जरूर लिखना आप लोग। शाम के 5 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का
कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके लाइव क्लास में भी डेली चलते ही हैं और यहाँ भी अपन कर ही लेंगे। देखिए क्या बोला है कि 5 बजे। अब 5 बजे का अर्थ समझना आप लोग, ये घड़ी है ना, ये 12 बजे हैं, ये 6 बजे हैं, ये 3 बजे हैं, ये 9 बजे हैं। अब आपसे बोला है कि 5 बज रही है, तो आप एक काम करो थोड़े और बना लो, 4, 5, 7, 8, 10, 11। 5 बज रही है मतलब यूं समझना कि ये जो आपके मिनट का काटा है ये 12 पे है और घंटे का काटा आपका 5 बजे है। आपसे मैंने बोला था कि एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो आप बताओ कि एक घंटे में 30 डिग्री है, यहाँ अंतराल कितने घंटे का हो रहा है। तो आप यहाँ जाकर देखोगे तो आपने देखा कि 5 बज रही यानी कि 5 बजे, यहाँ से देखा एक घंटा ये है ना, फिर देखा 2, 3, 4 और 5। तो एक घंटे में अगर 30 डिग्री का बन रहा है तो यहां 5 घंटे में कितने डिग्री का बन जाएगा, 150 डिग्री का, यानी कि 150 डिग्री का इसमें आंसर आपका आ जाएगा। तो आपसे जब भी टाइम पूछे तो आप देख लीजिएगा कि उन दोनों सुइयों के बीच अंतराल कितना बन रहा है। अब यहाँ पे बात हुई आपकी इस कोण की, कौन से दोनों सुइयों के बीच की बोला, तो आपका 150 डिग्री का बन रहा है। अगर वो यहीं पे मेरी बात सुनना, यहीं पे बोल देता कि दोनों सुइयों के बीच नहीं बोलता, यहाँ पे बोलता था 5 बजे बनने वाला, 5 बजे बनने वाला वृहद कोण, वृहद कोण का मतलब होता है ये नहीं, अंदर वाला नहीं, बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, इसके बाहर जो बन रहा है ना ये वृहद कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो आपने अंदर वाला कोण निकाल लिया 150 डिग्री का, ये उसमें भी निकालना ही पड़ेगा, वृहद कोण पूछे तो भी ये निकाल लेना। और क्या करना कि टोटल होता है 360, टोटल कितना होता है भैया 360, तो इस 360 में से, इस टोटल 360 में से अगर ये मैं घटा दूंगा, ये मैं घटा दूंगा तो मेरा यही बच जाएगा। तो 360 में ये गया 0, 0, 6 में 5 गया 1, 3 में 210, कितने डिग्री का बनेगा वृहद कोण, कितने डिग्री का बनेगा 210 डिग्री का। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ फिर करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, लिखा है कि दोपहर 3 बजे घड़ी की दोनों के सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों जो सुइयां हैं 3 बजे, इनके बीच बनने वाले कोण एवं वृहद कोण के बीच अंतर क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे, तो आप समझने की कोशिश करना, ये आपकी घड़ी है ना, 12 बजे हैं, 3 बजे हैं, 6 बजे हैं और 9 बजे हैं। आप समझने की कोशिश करना कि उसने 3 बजे की बोला है, ठीक है साहब। तो पहली बात तो ये 3 बजे कितना कोण बनता है, आप सभी को पता होगा नॉर्मली कि आपको पता है कि यहाँ पर 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, तो यहाँ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, यानी कि 1 घंटे में अगर 30 डिग्री का कोण बना रही है तो 3 घंटे का अंतराल है यहाँ पर, तो कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। आपको आसानी से पता है, ये सबको आता भी है, तो यहाँ बन गया 90 डिग्री का, कितना बन गया, ये बन गया 90 डिग्री का बन गया साहब, ठीक है साहब। अब वो बोल रहा है कि वृहद कोण कितना होगा, तो देखिए कि इस ये वाला कोण पूछा है, वृहद कोण का मतलब होता है ये वाला जो बाहर इसके अलावा बन रहा है 90 के अलावा, उनके बीच, इस कोण के बीच और उसके बीच अंतर कितना है। पहले तो ये कोण निकालो आप, बाहर वाला कोण कितना बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर 360 में से टोटल 360 होता है, ये जो पूरा कोण है ये 360 होता है, और इसमें से आप ये 90 डिग्री माइनस कर दो। आपने बोला कि पूरा कोण 360 का बन रहा है, मैं आपका ये कोण माइनस कर दूं तो ये वाला कोण बन जाएगा, तो 0 में 0, 16 में 9 गया 7, इधर बचा 2, तो 270, यानी कि ये वाला जो कोण है ये तो आपका 90 बना था और ये बन गया आपका 270 डिग्री का, कितने डिग्री का, 270 डिग्री का। अब इन दोनों के बीच अंतर पूछा है तो ये वाला जो है माइनस कर दूंगा मैं, माइनस किया 0, 0, 17 में 9 गया 8, इधर बचा 1, यानी कि 180 डिग्री का, इन दोनों के बीच अंतर कितना आ जाएगा 180 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ना। अब वो पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, हाँ ठीक, अगला क्वेश्चन देखना क्या दिया है आपका, बोला है कि 3, 3:30 बजे दोपहर 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का, कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए इसमें आप एग्जैक्ट भी जा सकते हैं, कैसे जाएंगे तो समझने की कोशिश करना, ये घड़ी है 12 बजे हैं, 3 बजे हैं, 6 बजे हैं, 9 बजे हैं, यहाँ पर बजेगा 1, 2, यहाँ पर 4, 5, यहाँ 7, 8, यहाँ 10 और 11। तो समझने की कोशिश करना, 3:30 बजे हुए हैं मतलब आपका मिनट का कांटा तो 6 पे होगा, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है साहब। अब 3:30 का मतलब समझना, ये कांटा 3 पर नहीं होगा,
3:30 में क्या होगा कि कांटा इन दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा, यानी कि 3 और 4 के बीच में आ जाएगा, बिल्कुल 3 और 4 के बीच में। अब जो अंतराल है वो समझने की कोशिश करना है, यहाँ पर है 1 घंटे का अंतर 5 से 6 में, और यहाँ है 4 से 5 में भी 1 घंटे का अंतर, लेकिन यहाँ पर पूरा 1 घंटा नहीं है, यहाँ पर आधे घंटे का अंतर है, यानी कि घंटे हैं 2 सही 1/2 घंटे। कितने हैं? 2 सही 1/2 घंटे। तो इसका करेंगे 2 × 4 = 5/2 घंटे, 5/2, और 1 घंटे में आपका 30 डिग्री, तो 5/2 घंटे में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का इंटू कर देंगे, तो आप 2 से करेंगे तो 15×5 = 75 भी आ जाएगा, है ना, 75 आ जाएगा इस प्रकार से, है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं, तो यहाँ आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि यहाँ इन दोनों का अंतर 30 डिग्री का, यहाँ इन दोनों का अंतर 30 डिग्री का, और यहाँ आधा ही है, पूरा घंटा नहीं आधा ही है, तो 15 डिग्री लिखूंगा, इसको जोड़ने पर भी 75 आ रहा है। मान लो इसी क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन होता, ये तो आपका 3:30 बज रही है, तो मान लो 2:30 बज रही है, कितनी बज रही, 2:30 बज रही। तो अब आप क्या करेंगे, अब कैसे निकालेंगे, तो अब भी निकालने का वही तरीका, क्या 2:30 बजे आपका जो कोण है वो इस प्रकार से बन रहा होगा। आप अंतराल गिन लीजिए कितने घंटे हो रहे हैं, 1, 2, 3 और 3:30, कितने घंटे हो रहे हैं, 3:30 का मतलब होता है 3 सही 1/2, 3:30 का मतलब होता है 3 से 1/2, 3×2 = 7/2, कितना हो जाएगा, 7/2, और इंटू कर देंगे आपका किस में, 30 डिग्री में, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 7/2 घंटे में कितना हो जाएगा, तो आप निकाल लेंगे 15 × 7 = 105, कितना निकाल लेंगे कि 2:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों के बीच, तो 105 डिग्री का बन जाएगा। कैसे बना, आप चाहें तो ऐसे काउंट कर लीजिए, कितना 2 से 3 में आपका कितना बन रहा है, 2 से 3 पूरा है तो नहीं, लेकिन यहाँ 15 डिग्री का बनेगा, 3 से 4 में आपका 30 डिग्री का बन जाएगा, 4 से 5 में आपका 30 डिग्री का बन जाएगा, फिर 5 से 6 में 30 डिग्री का बन जाएगा, तो सारे को आप जोड़ लेंगे तो आपका 105 डिग्री का आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर लेंगे। बहुत सारों के दिमाग में है कि सर वो यूँ दे देगा कि 3:10 पे कितना बनेगा, या फिर 3:12 पे, या 48 मिनट पे, ऐसा वो देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा, क्योंकि एग्जैक्ट निकालने का आपके इसमें नहीं है, एग्जैक्ट निकालना नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल आपका ऐसे ही देगा वो, जिसमें आप आपके 1 घंटे में 30 डिग्री का बन रहा है, और ज़्यादा एग्जैक्ट पूछे तो 1 मिनट में आपका कितना बन रहा है, 6 डिग्री का बन रहा है, मिनट भी हो ऊपर तो 6 मिनट से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 डिग्री से आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। हाँ, आपको कोण का नॉलेज होना चाहिए, कोण अपनों ने पढ़े थे, आपने ज्योमेट्री में सारे कोण पढ़ लिए होंगे, उसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, एक सरल कोण पढ़ा था, है ना, सरल कोण भी पढ़ा था आपने, है ना, आपने समकोण भी पढ़ा था, सारी चीजें आपने पढ़ी थी, तो वो यहां भी आपके काम आएगी। कैसे काम आएगी, देखिएगा, क्वेश्चन लिखा है कि घड़ी में कितने बजे एक सरल कोण बनेगा। अब सरल कोण का अर्थ कितना होता है, कितने डिग्री का होता है, आपको पता होना चाहिए। मैं 4 ऑप्शन भी लिख रहा हूँ, पहले आप इसका आंसर करिए ताकि आपकी स्थिति क्लियर हो कि हाँ हमें आ गया है, है ना। 9 बजे, फिर दिया है आपका 3 बजे, फिर दिया है आपका 6 बजे, और फिर चौथा ऑप्शन है आप लोगों का 8 बजे। तो आप समझने की कोशिश करना, सरल कोण का अर्थ क्या होता है, सरल कोण यानी कि एक ही आप एक सरल रेखा बननी चाहिए जिस पे आपका कोण बनना चाहिए 180 डिग्री का, कितने डिग्री का बनना चाहिए, 180 का। तो सरल कोण कब बनेगा, देखिए एक सीधी रेखा बनाने के लिए मुझे मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत चाहिए, मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत चाहिए, यानी कि 9 बजे तो कैसी आकृति बन रही है, इस प्रकार की, ये 9 बजी है, ये है ना 12 पे है काटा, तो यहाँ तो समकोण बन रहा है, मतलब ये तो गलत हो गया। 3 बजे भी वही स्थिति, घंटे का काटा इधर से इधर हो गया, 3 बज रही है, समकोण बन रहा है, ये भी गलत हो गया। लेकिन 6 बजे देखिए कि ये घड़ी है ना, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ 7, 8, 9, 10, 11, तो 6 बजे आप देखिए कि आपकी घड़ी और
मिनट का काटा, घंटे और मिनट का काटा दोनों एक ही दिशा में है, और ये देखिए ये समकोण बन रहा है। समकोण क्या? सरल कोण बन रहा है। कितना बन रहा है? सरल कोण बन रहा है, यानी कि एक ही दिशा में है। तो पूरे 360 को, पूरे 360 को दो भागों में बांट दिया, 180 और 180 में। तो इस प्रकार से घड़ी में बनने वाले एक सरल कोण कितने बजे एक सरल कोण बनेगा? मान लो इसी में एक क्वेश्चन आ जाए, मान लो एक ही क्वेश्चन आ जाए कि कितनी बजे, है ना, कितनी बजे एक सरल कोण की जगह आपका थोड़ा सा दे दे समकोण। तो आपको पता ही है इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके बन सकता है। समकोण कब बनेगा? आपके ऑप्शन थोड़े से मैं चेंज कर देता हूँ, ए बी सी डी। वैसे भी आपको पता ही है, नॉर्मल क्वेश्चन है, पर आप कर लीजिए इसको। इसने बोला है कि 8 बजे, है ना, या फिर 9 बजे, या फिर 10 बजे, या फिर आपका 11 बजे। तो आप बोलते हो कि सर 9 बजे। क्यों? क्योंकि आपका समकोण का मतलब होता है राइट एंगल, जिसमें 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो आपका 9 बजे बन रहा है 90 डिग्री का कोण, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से। तो ये समझ में आ गया आपको, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं, है ना। वृहद क्वेश्चन वाले भी आते हैं, एक क्वेश्चन हो रहे हैं, हाँ एक और क्वेश्चन, ये समकोण वाला हो गया घड़ी में। हाँ देखिए, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। देखिए लिखा है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच एक न्यून कोण बनाने के लिए कितने बजे होने चाहिए, यानी कि घड़ी में समय क्या होना चाहिए, कितनी बजे होना चाहिए घड़ी में, समय क्या होना चाहिए कि आपका एक कोण, दोनों सुइयों के बीच एक कोण, न्यून कोण बने। न्यून कोण आपको पता ही है, जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन किससे छोटा हो, 90 डिग्री से, आपको पता है। मैं लिखता हूं यहां पर 3 बजे, है ना, फिर लिखता हूँ यहाँ पर 4 बजे, फिर तीसरा ऑप्शन लिखता हूँ आपका 9 बजे, और आपका चौथा ऑप्शन है 2 बजे। तो आप देखिएगा कि 3 बजे तो समकोण बनता है, और 3 बजे अगर समकोण बन रहा है तो 4 बजे तो और बड़ा कोण बन जाएगा, 90 से बड़ा बन जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा ये, तो ये भी नहीं है। आपका 9 बजे भी समकोण है, तो आप देखिए कि 2 बजे आपका न्यून कोण बनेगा, यानी कि 2 बजे ऐसा बनेगा, है ना, 2 बजे जो है आपकी ऐसी इस प्रकार की स्थिति बनेगी, यानी कि 60 डिग्री का कोण बनेगा दोनों के बीच में 2 बजे, है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहां एक भी डाटा नहीं दिया गया हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि न्यून कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है, सारी जानकारी आपको होना चाहिए, है ना। अब जो टाइप आपकी है, ये टाइप फर्स्ट वाली निपटी आपकी। टाइप फर्स्ट में आपने देखा कि कोण वाले, आपके कोण वाले पूछे उसने कितने डिग्री का कोण बनेगा, इस प्रकार से। अब दूसरी टाइप में आपकी ले रहा हूं, टाइप नंबर टू, जिसमें आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा था अभी कि घड़ी में, हाँ कितने, एक घंटे की कौन सी भिन्न, है ना, घंटे की भिन्न वाला टाइप टू करेंगे अब। टाइप टू, घंटे की भिन्न, यानी एक घंटे की कौन सी भिन्न होती है, ये इस क्वेश्चन में सीखेंगे अपन, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा है, देखना ये क्वेश्चन, टाइप टू घड़ी की, घंटे की भिन्न वाला निकालने का। लिखा है सायं 6:05 बजे से, पहले आप करने की कोशिश करना मेरे भाई, है ना, सायं 6:50 बजे से, यानी कि 6:50 मिनट हो रहे हैं, है ना, सायं 7:38 मिनट के बीच का समय। देखिए वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा भी सकता है कि एक कुछ भी नाम दे देगा कि राम श्याम मोहन अपने घर से 6:50 बजे निकलता है, है ना, 6:50 मिनट पे निकलता है, और मोहन के घर शाम निकलता है, और मोहन के घर 7:38 मिनट पे पहुंचता है, तो उसके द्वारा लिया गया समय एक घंटे की कौन सी भिन्न होगा। तो क्वेश्चन वो बड़ा कर सकता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट आपकी मेन चीज लिख दी कि 6:50 बजे निकला और 7:38 मिनट के बीच का समय एक घंटे की कौन सी भिन्न होगा। देखिए इसको करने का तरीका क्या होगा,
एक घंटे कौन से भिन्न होगा। तो देखना सबसे पहले आप क्या करो कि जो बड़ी संख्या है वो ऊपर लिख लो, है ना। यहाँ लिखा है 7 और यहाँ टाइम दिया है 38, ठीक है साहब। अब नीचे दिया है आपका 6 और 50। अब आप क्या कर सकते हैं कि जब भी ऐसा नीचे का वाला मिनट बड़ा हो तो आप इधर से एक घंटा उधार ले सकते हैं। तो यहाँ 7 से बोला कि भाई एक घंटा उधार दे दे, तो यहाँ मिनट है तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ 7 की जगह रह गया अब 6 और यहाँ बच गया 6 और 8 का 8, 6 और 3 9, तो 98 मिनट हो गया। क्या किया मैंने, 38 मिनट में इधर एक घंटा जोड़ दिया तो कितना हो गया, 98 मिनट हो गया। तो आपने देखा कि 8 का 8 फिर 9 में 5 गया 4, 48 मिनट हो रहा है। तो वो बोल रहा है कि ये जो 48 मिनट है ना, ये जो समय है, ये एक घंटे की कौन सी भिन्न है। तो एक घंटे की भिन्न निकालना है तो आप क्या करिए कि इस 48 को यहां रखिए और नीचे लिख दीजिए, एक घंटे की बोला है ना, तो नीचे लिख दीजिए 60। क्या लिख दीजिए, 60। तो आपका हो जाएगा 12 चौक 48, 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, है ना। तो 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं, एक और चीज ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि आपका एक घंटे ही बोले। वो यहां पे मान लो यहां क्वेश्चन चेंज कर देता, वो बोल देता कि 2 घंटे की कौन सी भिन्न है। तो आप 48 के नीचे क्या करते, 48 तो जैसे निकालते वैसे ही निकालते, लेकिन 48 के नीचे यहां पे 60 की बजाय आप कितना लिख देते। तो आपने बोला कि 2 घंटे की, तो मैं नीचे लिख देता आपका 120 लिख देता, हो जाता इससे 12 चौक 48 10, फिर कट रहा 2 दूनी 4 2, हाँ तो 2/5 इसका आंसर आ जाता। कितना आ जाता, 2/5 इसका आंसर आ जाता, इस प्रकार से, है ना। अब मान लो एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप सभी अगला क्वेश्चन करने की कोशिश जरूर करिएगा। देखिए लिखा है कि 4:56 अपराह्न से, अपराह्न मतलब है ना, अपराह्न मतलब AM PM, अपराह्न से 5:32 5:32 अपराह्न तक का समय एक घंटे की कौन सी भिन्न होगा, एक घंटे की कौन सी भिन्न होगा। चलिए ये करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस प्रकार से करेंगे इसको, आपका वही वाला देखो अंतराल कितना हो रहा है, तो ऊपर लिख लेंगे बड़ी संख्या 5:32 और नीचे लिख लेंगे 4:56। तो जो पहले कर रहे थे वही करना है कि आपका इस 5:32 छोटा है, 32 मिनट छोटा है, 56 मिनट बड़ा है। तो क्या करेंगे, आप बोलोगे सर इधर से एक घंटा उधार ले लो, तो 60 इधर ले लिया, यानी 5 से इधर हो गया 4, तो 4 से 4 तो 0 बज गया, ठीक है। फिर 60 और 32 जोड़ देंगे तो 2 का तो 2 ही रहेगा, लेकिन 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। फिर 12 में से 6 गया 6, इधर बचा 8, 8 में से 5 गया 3, तो 36 मिनट आ रहा है और नीचे आएगा, एक घंटे की बोला है इसलिए नीचे आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तो इससे करेंगे 6 6 36, 6 दाम 60, अभी कट रहा है, हाँ 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से, ऊपर 36 है नीचे 60 है, तो आपका 3/5 इस प्रकार से आपका आ जाएगा। इसको नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है। लिखा है कि राम अपने घर से 7:10 पे निकलता है और स्कूल 7:40 पे पहुंचता है, तो उसके द्वारा लिया गया समय एक घंटे की कौन सी भिन्न है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता चल ही गया होगा कि 7:10 है, 7:40 है, डायरेक्ट ओरली क्वेश्चन हो जाएगा। 7:10 से 7:40 मतलब कितना मिनट, 30 मिनट का अंतराल आ रहा है। 7:10 से 7:40 के बीच कितने मिनट का अंतराल आ रहा है, 30 मिनट का, और आपके एक घंटे की भिन्न पूछा है, तो 30/60 यानी कि 1/2। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन में टाइम चेंज कर रहा हूँ, आपको टाइम यहाँ पर दे रहा हूँ, टाइम यहाँ पर दे रहा हूँ कि आपका मान लो यहाँ पर लिखा है कि 7:26 से आपका 8:24 है ना, टाइम ये दे दिया मैंने 7:26 से 8:24। तो समझने की कोशिश करना किस तरीके से इसको करोगे, है ना, कैसे करेंगे। तो 7:26 और 8:24 में अंतर कितना है, एक काम करो
36 करो इसको, 7 36 और 8 24, देखना कितना आएगा 7 36 और 8 24 में। करने की कोशिश करेंगे तो आपने देखा कि 8:24 तो पहुंचा वो, है ना, और निकला कितनी बजे था, तो निकला आपका 7:36 पे। तो आपने देखा, इधर देखा आप, इधर जोड़ देंगे तो 6 और 2 यहाँ 60 मिनट ले लेंगे, इधर 1 घंटे उधार लिए इधर, तो 60 मिनट हो गया। तो आपने देखा कि 60 मिनट हो गया, मतलब यहाँ पे 6 और 2 8 हो गया, तो 84 हो गया। तो देखा 14 में 6 गया 8, और इधर देखा 7 में 3 गया 4, तो 48 मिनट आ रहा है। तो 48 मिनट जब भी आता है तो आपका कितना बनता है, 12 चौक 48 12 5 60, इस प्रकार से बन जाएगा, है ना। समझने की कोशिश करना, कुछ नहीं, समय अंतराल वाला ज़्यादा खास नहीं है, आपको समय का अंतर निकालना है और उसको 1 घंटे की भिन्न पूछे तो इस प्रकार से कर लेना है, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसी में, आप कहाँ, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखना अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी करने की आप कोशिश करिएगा। लिखा है कि शाम 5:45, हाँ 5:45 से, शाम 5:45 से 5:05, 5:05 के बीच का समय, के बीच का समय, बीच का समय 1 घंटे की कौन सी भिन्न है, 1 घंटे की कौन सी भिन्न है, 1 घंटे की कौन सी भिन्न है, इस प्रकार से क्वेश्चन बना है आपका। कैसे करेंगे, वही वाला तरकीब, 5:45 से 5:05 नहीं होगा, या सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ पे 6:05 बोला है ना, 6:05, तो कैसे करेंगे इसको, तो वही वाला अंतर, तो 6 बजने में कितने मिनट की दे रहे हैं, अगर 5:45 हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, घटाने के बजाय डायरेक्ट जाएंगे, तो 5:45 है तो 15 मिनट और होंगे तो 6 बज जाएगी, और 5 मिनट होगी तो आगे हैं तो कितना हो गया, 20 मिनट हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर मैंने ओरली निकाल लिया, आशा करता हूँ कि आपको भी ओरली आ ही गया होगा, कोई समस्या नहीं है। फिर भी किसी को समस्या हो तो 6:05 लिखना, फिर उसमें 60 जोड़ देना तो 65 हो जाएगा, 65 में से 45 घटा लेना तो आपका 20 आ जाएगा। इस प्रकार से आया इसका, 20 मिनट आ रहा है और नीचे आ रहा है 1 घंटा, मतलब 60 मिनट, तो यहाँ पे आ रहा 20 से कम 20 20 दिया 60, इस प्रकार से बन रहा है, है ना, ठीक है, इस प्रकार से। और देखिए, है ना, हाँ एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन में लिख रहा हूं, लिखा है सुबह 6:30 पर, 6:30 पर राम स्कूल के लिए निकलता है, राम स्कूल के लिए निकलता है, स्कूल के लिए निकलता है, है ना, और 6:30 पर स्कूल के लिए निकलता है, और 7:10 यानी कि 7:10 पर स्कूल पहुंच जाता है, स्कूल पहुंच जाता है, पहुंच जाता है, तो ये समय, तो समय 1 घंटे की कौन सी भिन्न है, तो समय 1 घंटे की कौन सी भिन्न है, ऐसा क्वेश्चन भी आपका बनता है बहुत सी बार, है ना। तो आप डायरेक्ट बता देंगे, आपने देख लिया कि मैंने आपको सिखा दिया कि डायरेक्ट माइनस करने के बजाय आप ऐसे भी जा सकते हैं, 6:30 से 7 बजने के लिए कितने मिनट की आवश्यकता होती है, तो 6:30 से 7 बजने के लिए आप बोलोगे कि सर 6:30 से 7 तो तब बजेंगे जब आधा घंटा और हो जाए, तो 6:30 में आधा घंटा यानी 30 मिनट वो जोड़े, और इधर ऊपर कितने हो रहे हैं, 10 मिनट और ऊपर हो रहे हैं, तो आपने देखा 30 और 10 40, तो 40 होता है बटे 60 क्यों किया, क्योंकि 1 घंटे की भिन्न पूछा है इसलिए बटे 60 कर दिया, तो 20 दूना 40 20 दिया 60, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, बड़ी ही आसानी से इसको कर लेंगे, है ना, इस प्रकार से। अब एक और क्वेश्चन दिया है आपका, यहाँ पे एक काम करता हूँ, यही डाटा चेंज कर देता हूँ, सुबह लिखा है कि आपका 6:48 से, है ना, निकलता है और आपका 7 बजे स्कूल पहुंचता है, तो इसी प्रकार से कर लेंगे, 6:48 से 7 में कितनी गैपिंग आ रही है, तो आप देखोगे 48 और 60 पहुंचने के लिए कितना मिनट की आवश्यकता है, 12 मिनट की, तो आप लिख दोगे ऊपर 12, है ना, इस प्रकार से, और नीचे कर दोगे आप
कितना बज रहा है, 7 बज रही है, तो नीचे 12 मिनट आ रहा है, इन दोनों के बीच का गैप 12 मिनट आ रहा है, नीचे कर देंगे 60। 60 क्यों करें, क्योंकि एक घंटे की पूछा है, इसलिए बटे 60, तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो हो जाएगा 1/5 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन का लीजिए इसी प्रकार का, है ना, यहाँ एक घंटे की बजाय वो आपसे मान लो यहाँ पे लिख देता है 2 घंटे की, क्या बोलेगा, 2 घंटे की कौन सी भिन्न है। तो अब आपसे क्या करेगा वो, है ना, कि वो मान लो यहाँ पे निकला 7:24 पे निकला राम जो है, 7:24 पे निकला और वहां पहुंचा 8:36 पे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, डाटा थोड़ा सा चेंज है, वो बोल रहा है कि 7:24 पे निकला स्कूल के लिए और 8:36 पे पहुंचा, तो ये जो समय है ये 2 घंटे की कौन सी भिन्न है, जरूरी नहीं कि 1 घंटे की पूछे, बहुत सी बार वो 2 घंटे की भी पूछ लेगा। तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, अपने को वही वाला समय अंतराल तो निकालना ही पड़ेगा, तो अंतराल डायरेक्ट निकल रहा है यहाँ पर कि 6 से 4 गया तो 2, 3 में 2 गया 1, और यहाँ 8 में 7 गया 1, तो 1 घंटे और 12 मिनट निकल रहा है, यानी कि 1 घंटे को मैं 60 मिनट कर दूं तो 60 और 12 कितना हो जाएगा, 72 मिनट, है ना, और 2 घंटे की पूछा है इसलिए नीचे कर दूंगा 120। आई बात समझ में, नहीं आई सर, एक बार और बता देता हूँ, 8:36 लिखा हुआ था, है ना, बड़ा वाला टाइम ये था, इसमें से ये घटाना है 7:24, तो मैंने घटाया 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1 और 8 में 7 गया 1, तो 1 घंटे और 12 मिनट, तो इस 1 घंटे को मैंने क्या कर दिया, 60 मिनट लिख दिया और 12 मिनट को जोड़ा तो 72 आया, और आपके 2 घंटे की भिन्न पूछा था, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे 120, तो इसको काट लेंगे 12 बार 60 12 6 72, 12 धाम 120, फिर काटेंगे 2 3 6 2 5 10, 3/5, यानी कि 2 घंटे की कौन सी भिन्न है ये, 3/5 भिन्न आपकी इस प्रकार से हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, है ना, चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, वैसे भी एक काम करो यही मिटा के लिख देता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बंद करूँगा फिर चालू करूँगा, टाइम जाएगा, है ना, चलिए मैं ही लिख देता हूँ कि राधा राधा अपने घर से शहर के लिए, अपने घर से शहर के लिए सुबह 5:48 पर निकली, शहर के लिए 5:48 पर निकली और शहर 6:12 पर पहुंची, 6:12 पर पहुंची पर पहुंची 6:12 पर पहुंची तो उसके द्वारा लिया गया समय 1 घंटे की कौन सी भिन्न है, 1 घंटे की कौन सी भिन्न है, इस प्रकार से, है ना, यही वाला क्वेश्चन है आपके 1 घंटे की भिन्न वाला, तो वही वाला देखिए, 5:48 है 6:12 है, कितना डिफरेंस आ रहा होगा, तो आप बोलोगे कि सर इसमें अंतर वही 5 से 6 बजा रहा हूँ मैं, तो 12 मिनट की गैप आ रही है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे वही वाला लिख दो, 6:12 लिख दो, 5:48 लिख दो और डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस अगर लेंगे तो यहाँ पर 12 मिनट है, यहाँ पर 48 मिनट है, तो समझने की कोशिश करना कि यहाँ 6 से मैं 1 घंटा इधर ले रहा हूँ तो 60 मिनट इधर ले लूँगा, तो 60 इधर लिए तो यहाँ पर 12 की जगह हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72, और 12 में 8 गया 4, इधर बचा 6 में 2 गया 4, 24 मिनट आ रहा है, 1 घंटे की भिन्न पूछा है, यानी कि नीचे लिखना पड़ेगा 60, जो कि आपका आसानी से आ जाएगा, 12 2 24 12 5 60, तो 2/5 इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने, है ना, ये क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे, वैसे भी ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है, घड़ी आप जितना इससे डर रहे हो उतनी सिंपल है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन इसी के बनेंगे, ये तो आपके होंगे दो टाइप आपके हो गए, और बाकी के 3 टाइप और बचे हैं जो आपके अगले वीडियो में मैं करवा दूंगा, तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते चलना है, बहुत ही सिंपल है, कोई डरने की जरूरत नहीं, देखिए आप अगर डरेंगे तो आपकी एग्जाम नहीं निकलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, इस डर से जीतना पड़ेगा, ये जो चीजें हैं आपको डर लगता है ये प्रैक्टिस से निकल जाएगी, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये डर निकल जाएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना निकल जाएगा, तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते चलिए, समझते चलिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।